वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड और इस आईपीओ से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यहां पर हम बात करेंगे इस ऑफिशियल नोटिस में अवेलेबल जानकारी के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड जिस कंपनी का पहले नाम था मुक्का सी फूड्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करने के लिए सेबी को DRHP सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि DRHP का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है और वो तमाम जानकारी जो कि एक आईपीओ लाने के लिए जरूरी होती है इसमें रखी जाती है। सेबी इस जानकारी को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इस कंपनी ने सेबी को अपना आईपीओ लाने के लिए अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानकारी मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से रखा गया है। अब बात आती है कि आईपीओ कितना बड़ा होगा, इसका इश्यू साइज क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल आईपीओ काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। टोटल 8 करोड़ के आसपास शेयर मार्केट में आएंगे ट्रेड होने के लिए, तो काफी बड़ा ये आईपीओ होने वाला है और यहां पर काफी बढ़िया मौका भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, यहां पर बात आती है कि आईपीओ कितना कब आएगा मार्केट में, मतलब टाइमिंग क्या होगी। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अप्लाई करने के बाद सेबी को जब अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में यह आईपीओ आपको आता हुआ नजर आ सकता है। जब ये आईपीओ आएगा पूरी एनालिसिस करके आपको बताएंगे यह आईपीओ कैसा है, कितना प्रीमियम आपको मिल सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।